नमस्कार दोस्तों, सुम्मी इज़ यमी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए व्रत की एक रेसिपी लाई हूँ। यह है आलू का हलवा, जो बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। व्रत के टाइम में अगर आप एक बार इसे खा लेंगे तो पूरे दिन आपको एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए तो इसे बनाते हैं, आइए। ये बहुत आसानी से बन जाएगी, ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगता है। तो इसके लिए हमने 2 कप दूध लिया है पैन में। ये पहले से बॉईल किया हुआ दूध है। गैस ऑन कर देंगे। इसमें कुछ केसर के धागे ऐड करेंगे और हमें इसे सुखाना है दूध को, मतलब आधा रह जाए तब तक इसे पकाना है। तो दूध में केसर का कलर भी काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा। तो जब तक दूध पक रहा है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। मोटे ग्रेटर से ना करें, क्योंकि उसमें फिर चंक्स रह जाते हैं आलू के, तो अच्छा नहीं लगता है वो। बारीक ग्रेटर से काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है हलवा का। तो सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हम अपनी पसंद के फ्राई कर लेंगे। अगर आप आमंड डाल रहे हैं तो आमंड को पहले फ्राई कर लें, क्योंकि वो टाइम लेता है थोड़ा। उसके बाद काजू, मगज और सबसे लास्ट में किशमिश डालें। चिरौंजी वगैरह भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भून कर डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और एक क्रंचीनेस आता है, जो कि हलवा में बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि हलवा एकदम स्मूथ होता है, तो बीच में उसमें क्रंची ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किशमिश डालने के बाद जैसे ही किशमिश फूलने लगे तुरंत निकाल लें, वरना यह जलने लगेगा। मगज की वजह से घी में काफ़ी झाग बन रहा है। और ड्राई फ्रूट्स को एकदम लो फ्लेम पर ही भूनना है, तभी ये अंदर तक क्रंची होगा। तो सभी ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं घी से। अब इसी घी में हम ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक भूनना है। जितना अच्छा से आप आलू भूनेंगे उतना ही अच्छा हलवा का टेस्ट होगा। तो इस हलवा को बनाने में ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगता है, लेकिन बस भूनने पर ही इसका टेस्ट डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह इसे भूनते हैं घी में। तो 10 मिनट तक लगातार चलाते रहें, भूनते रहें। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सारा घी आलू में से रिलीज़ होने लगा है और आलू का टेक्सचर भी चेंज हो गया है और ये क्वांटिटी में भी काफ़ी कम हो गया है। तो जब आलू अच्छे से घी रिलीज़ कर दे और इसमें से खुशबू आने लगे, तब इसमें हम जो दूध हमने पकाया है वो डालेंगे। दूध को मैंने दूसरे साइड कर दिया था, वो भी आधा हो चुका है पककर, गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे हलवा में मिक्स करेंगे। दूध डालने से हलवा का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें हमने केसर डाला है तो कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसमें जो गुठलियाँ पड़ रही हैं उसके लिए आप चिंता ना करें, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अब इसे लगातार चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर ही। थोड़ी देर में दूध गाढ़ा होगा और आलू का जितना भी गुठली था आप देखेंगे ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हम 4 टेबल स्पून शक्कर ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्का मीठा बना रही हूँ तो इसलिए 4 चम्मच ही शक्कर डाला है। अब शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विडी होगा, तो इसे अच्छी तरह भूनना है। अभी ये स्टिकी दिख रहा है, लेकिन भूनते भूनते ये एकदम एक डो के जैसा बन जाएगा। इसका पूरा स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगा। यही पहचान है कि आलू अब अच्छी तरह भून चुका है। इस समय हलवे में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इस स्टेज पर जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून कर रखा था वो डाल देंगे। मैंने काजू और बादाम को थोड़ा छोटे टुकड़ों में काट लिया है।
ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जायफल घिसकर डालेंगे। आलू में अपना कुछ टेस्ट नहीं होता है, जो भी फ्लेवर आप डालेंगे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो इलायची और जायफल का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। व्रत के लिए बना रहे हैं इसीलिए इसमें एसेंस वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल होता है उसमें। अब सभी चीज़ डालने के बाद एक मिनट तक लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनना है और उसके बाद गैस ऑफ कर देना है। बस आपका ये बहुत ही डिलीशियस व्रत का हलवा बनकर तैयार है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हलवा थोड़ा गर्म ही खाने में अच्छा लगता है, तो फ्रिज में ना रखें और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप इसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं, अभी व्रत का सीजन चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ।